महामंत्री की। आपके पास तो पशुपतिनाथ महाराज हैं, उनका एक इशारा हो गया तो वाह बल्ले बल्ले। बोलो पशुपतिनाथ महाराज की। घर जाके क्या बोलेंगे अपने परिवार को? सबको बोलेंगे एक बार फिर से देखना। थैंक यू सो मच। नेपाल में आपका बहुत इंतजार हो रहा है, तो जल्दी से आ जाओ। कुछ रह गया क्या, किसी की तारीफ बाकी है क्या? ये नीता की मम्मी मारेगी मेरे को। हाँ हरी की मम्मी, सॉरी हरी की मम्मी मारेगी। वैसे ही झगड़ा करने आ गई थी फिल्म में। वहाँ से सर को वाइफ, सी इज ऑल्सो एक्ट्रेस कल्याणी मैम। एकदमै आफ्नोपन महसुस हुन्छ उहाँसँग चाहिँ। बिचमा इतनी खूबसूरत लडकियाँ हैं, आप थोड़ा पीछे हटो। इतनी खूबसूरत लडकियाँ हैं, इतनी खूबसूरत लडकियाँ हैं, तो अपनापन और प्यार तो आ ही जाता है। अभी इसको ले जाके समोसे वमोसे खिलाते हैं तब इसकी आवाज आएगी। आप लोगों से बात करने आया हूँ। बोलिए। हिंदी समझ में आता है ना? आता है। तो घर जाके क्या बोलेंगे अपने परिवार को? सबको बोलेंगे एक बार फिर से देखना। थैंक यू सो मच। दो बार देखे, तीन बार देखे। थैंक यू। आप लोगों की ये जो भावना है ना कि पिक्चर बहुत अच्छा है, नेपाल में आपका बहुत इंतजार हो रहा है, तो जल्दी से आ जाओ। मैं भी सोचा यार इतने लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं और इतना दिल से बोल रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ काम में फंसा हुआ था, तो हुआ है कि वो वाली शूटिंग थोड़ा कैंसिल हो गई। मौका मिल गया, भगवान ने भी साथ दिया, मौका मिल गया, आ गया मैं। इसीलिए आया हूँ कि आप लोगों से बात करूँ। आप लोग तो हमें देखते रहते हैं, हमें आपको देखने का मौका मिलता नहीं। आपको देख के हम बहुत खुश हैं, बहुत धन्यवाद आपको नेपाल में आके। देखो यार मेरी पहाड़ी आदमी हूँ, अब तुम नेपाल में हो, मैं गढ़वाल में हूँ। मुझे अब पक्का भरोसा हो गया है कि जो आप लोगों ने हमारी फिल्म की तारीफ की है, वो जब मैं वाकई थिएटर में आके देख रहा हूँ, तो मुझे आप, क्योंकि प्रेस वाले हैं ना, कभी तिल को ताड़ और ताड़ को तिल बना देते हैं, तो यहाँ बिल्कुल उन्होंने जायज़ काम किया है। हमारी फिल्म पशुपतिनाथ महाराज की मेहरबानी से, भगवान की मेहरबानी से, और इनकी कठोर परिश्रम और त्याग और पता नहीं बेचारों ने क्या क्या, पहली फिल्म है ना तो सब कुछ दाव पे लगा दिया दोनों ने, तो उसको पशुपतिनाथ जी ने आशीर्वाद दिया है और फिल्म बहुत अच्छी चल रही है। मैं बहुत 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 खुश हूँ। और आपके ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे अधिकतर लोग जवान कौम है, तो अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, सबको, ये पूरी पारिवारिक फिल्म है, साफ सुथरी फिल्म है, इसमें कुछ भी झमेला नहीं है, जो झमेला आजकल बहुत दिखते हैं ना, वैसा कुछ नहीं है। तो अपने परिवार के सब सदस्यों को लेके आइए और ये फिल्म उनको दिखाइए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार फिल्म बनी है और आप सबको पसंद आ रही है, इसीलिए शानदार है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू नेपाल, थैंक यू हमारी फिल्म को इतना आपने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, वरदान भी दिया, तो थैंक यू सो मच। I am proud to be a Nepali actor, क्योंकि मैं भी पहाड़ी हूँ, नेपाल भी पहाड़ है पूरा, तो एक हमारे DNA मिला ही हुआ है, थोड़ी बहुत मेरी शक्ल आप लोगों जैसी मिलती भी है। मुझे इस बात का फख्र है, आई एम प्राउड ऑफ इट, कि आपने मुझे नेपाल का एक्टर बना दिया है, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक्टर के लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो अच्छा काम करते हैं पर वो ऐसा वेस्ट हो जाता है, फिल्म अच्छी, किसी एक्टर ने अच्छा काम कर फिल्म चली नहीं तो वो लोग देखते ही नहीं है, तो पता ही नहीं चलता है। हमारी फिल्म में क्या हुआ है कि बताया ना,
पशुपतिनाथ महाराज की मेहरबानी से सबने अच्छा काम किया है। नीता जी ने गजब का काम किया है, भाई साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है, ये हमारे दूसरे एक्टर है इन्होंने अच्छा काम किया है, जो नीता की छोटी बहन का रोल इन्होंने किया है ये शानदार काम। कोई चढ़ाया गया क्या, किसी की तारीफ बाकी क्या? ये नीता की मम्मी मारेगी मेरे को। हाँ हरी की मम्मी, सॉरी हरी की मम्मी मारेगी, वैसे ही झगड़ा करने आ गई थी फिल्म में। हाँ ये नीता की, ये नीता की मम्मी मारेगी। नहीं मेरे दोस्त हैं पापा, ये तो मेरे साथी हो माता। अरे ये जो है ये मेरी वाइफ हैं, तो इनका इन्होंने जब तारीफ सुनी हमारी फिल्म की, ये इनकी दोस्त भी हैं, तो इन्होंने कहा इनको जरूर लेके आइए, तो अब इन्होंने भी कहा उन्होंने भी कहा तो लाना ही पड़ा। थैंक यू सो मच है सबैजना आइदिनु भएको छ। बोलाउनलाई गाह्रो भन्दाखेरि पनि आर्टिस्ट हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो बिजी सेड्युललाई चाहिँ हाम्रो लागि रस्तो दीर्घको लागि नेपाल आउँछु भनेर डाइरेक्ट नेपाली अडियन्सहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्छु भनेर टाइम छुट्याउनु नै र खुसी भएर प्रफुल्ल भएर आफ्नो परिवारकोसँग आउनु नै त्यो ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। गाह्रो केही पनि भयो, गाह्रो भएन। उहाँ आफै एक किसिमको उत्साहित हुनुहुन्थ्यो कि यो फिल्म अझै म खुरै बसेर हेर्छु भनिराख्नु भएको छ। एकदमै प्राउड, एकदमै खुसी हुनुभयो, खुसी भइराख्नु भएको छ मैले नेपाली फिल्म गरेको छु भनेर। र त्यही किसिमको यहाँ अडियन्सहरूले पनि रेस्पोन्स त्यही किसिमको दिइराख्नु भएको छ नि त, जस्तो कि दर्शकले हेर्दाखेरि महामन्तको क्यारेक्टर चाहिँ दिमागमै छ क्या, उहाँको डबदेखि लिएर सबै चिज टक्क मिलेको छ होइन, त्यो मान्छेलाई त्यो दिमागमै आउँदैन कि अनि महामन्त नै सायद उहाँ महामन्तको क्यारेक्टरमा नभएको भए अरू सायद अप्सनमा कोही पनि हुँदैन थियो होला। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू सजिलो रूपले आइदिनु भयो अहिले। थ्याङ्क यू सर, अहिले थ्याङ्क यू सर। ठिक छ ल न म यहाँ उहाँलाई पनि लिएर आउँछु है। सबैभन्दा पहिला सबैलाई इन्ट्रोडक्सन गराउँछु, उहाँ चाहिँ सरको वाइफ, सी इज अल्सो एक्ट्रेस कल्याणी म्याम। एक्सपिरियन्सको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ एकदम डाउन टु अर्थ हुनुहुन्छ उहाँ। आउने बित्तिकै बिपना भन्ने खालको हुन्छ नि, एउटा हाम्रो यहाँ जसरी सरोज दाईहरूले, राज दाईहरूले या भुवन दाईहरू देख्ने बित्तिकै जुन रियाक्ट गर्नुहुन्छ, त्यस्तै उहाँ चाहिँ प्रपर नेपाली एक्टर भइसक्नु भएको छ। हरेक मान्छेलाई हँसाउने, रमाइलो गर्ने सुटिङमा पनि, र आउने बित्तिकै एकदम होता होइन आफ्नापन, एकदमै आफ्नोपन महसुस हुन्छ उहाँसँग चाहिँ। बीच में है इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, आप थोड़ा पीछे हटो, इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं तो अपनापन और प्यार तो आ ही जाता है। इसलिए एकदम ही राम्रो लाग्यो, असाध्यै खुशी लाग्यो। यसै गरी हामीले उहाँलाई पनि यति राम्रो रिस्पोन्स दिएका छौँ, यति राम्रो रेस्पेक्ट दिएका छौँ। उहाँले पनि गएर भन्नुहुन्छ नेपाली फिल्म खेल्नुपर्छ, होइन आप नेपाली फिल्म गर्न चाहियो हरेक इन्डियन आर्टिस्ट सबको गर्न चाहियो। सबको यो चिज हामीले हाम्रो देशको इज्जत, हाम्रो कला क्षेत्रको इज्जत राखेका छौँ। हामीले कुनै पनि कमी कमजोरी, कुनै पनि चाहे कलाकार हो चाहे निर्माता पक्ष कसैले पनि, चाहे डाइरेक्सन, उहाँहरूको रेस्पेक्टमा जुन एउटा बाहिरबाट आउनुभएको छ गेस्ट हाम्रो लागि होइन, उहाँहरूलाई कुनै पनि हाम्रो देशको इज्जतमा कमी हुने कुनै पनि काम गरेका छैनौँ, अझै धेरै नै भइरहेछ। नेपाली 60-70% नेपाली समझते दिखाता नहीं हूँ क्या 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 ऐसा होता है, पर समझ जाता हूँ। We have some more plans to go to some other city also at the same time. So as we just knew that you are friends, I also heard that you and officer, you share a very strong friendship as well. Yes, we have. I just want to hear about it because now you share special things and all. I just want to hear about it. Which way is it? In fact, since I have come to know that Hari is a youngest astrologer of Nepal, so I was amazed and by his accuracy, by his knowledge, by his studies. So even I also have great faith in astrology. Positive vibration ho, hamro vibration match garyo,
पॉजिटिव भयो सबै कुराहरु एनवायरनमेंट पॉजिटिव भयो त्यो पॉजिटिव गर्नलाई आउने म्याटरहरु धेरै थियो होला कुन कन्टेन्टले हामी पॉजिटिव भयौँ कसरी पॉजिटिव भयौँ त्यसमा हाम्रो डिरेक्टर साहबको हात छ होइन उहाँले डिरेक्सन गराइदिनु भयो उहाँहरूको सुटिङ भइरहेको थियो त्यो बिचमा म पुगेँ उहाँहरूसँग भेट गरेँ भेट गर्दाखेरि राम्रो एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो त्यसले एउटा फ्रेन्डसिप डेभलपमेन्ट भयो र आज हामी यो प्रोजेक्ट गऱ्यौँ राम्रो भयो थ्याङ्क यू एक्चुअली अभी तक पिक्चर देखी नहीं है हमने आके कल ही रात को आए मैंने नहीं देखी हमने अभी इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है जब होएगा तो इंडियंस लोग भी देखेंगे और आई एम श्योर मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ पिक्चर देखने के लिए जबकि कल से पूछ रही हूँ मैं कल से आ रही ना तब मैं मुझे भी पिक्चर कब दिखाएंगे क्योंकि इतना तारीफ सुन रही हूँ सबका तो मुझे देखना तो बनेगा Gajini. I kidnapped her 18 years ago when she was 25 and I will not tell you my age. Bhagri nahi denge hum. एकदम रमाइलो लगाइराखेको छ अनि हामी आयो एकदम एकदम रमाइलो लगाइराखेको छ अनि अब काम गर्नु पाउँदा एकदम रमाइलो लगाइराखेको छ अनि हामी सेटमा काम गर्ने बेला पनि सबैजना एकदम इजी साथसाथै म उहाँ त बाहिरबाट आउनुभएको तर दे वर भेरी हम्बल म त झन् बिगिनर हो नि त मेरो सिनियर उहाँसँग हुँदाखेरि दे वर भेरी कोअपरेटिभ अनि साथसाथै उहाँहरूले चाहिँ मलाई कति कुराहरू सिकाइरहनु भएको थियो यसा गर्न बेटी उसा गर्न बेटी भनेर द्याट वाज भेरी गुड अफ देम अनि एकदम खुसी लाग्यो काम गर्नु पाउँदा यो प्रोजेक्ट मेरो लागि पनि एकदम स्पेसल छ किनभने मैले त एक्सपेक्टेसन गरेको भन्दा धेरै बाहिर बाहिरको मान्छेहरूसँग काम गर्नु पाएँ नि त त्यही भएर यो मेरो लागि पनि एकदम एक्सपिरियन्स गेन गर्नुको लागि एकदम ठुलो अवसर थियो र यसको लागि म नीता दिदीसँग सबै नै कृतज्ञ रहनेछु हजुर अभी इसको ले जाके समोसे वमोसे खिलाते हैं तब इसकी आवाज आएगी फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु वेलकम प्रदीप सर थ्याङ्क यू प्रदीप सरसँग मेरो माहीमा पनि हामीसँगै काम गरेँ झन्डपदा हामीसँगै नै माहीमा हामी दाजुभाइ भएर काम गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ त्यो रिलिज भाषामा र अहिले हामीले यो ह्रस्व दीर्घमा पनि साथमा काम गर्ने मौका पायौँ उहाँ लगायत अरू पनि कलिउडका या त यो साउथ इन्डियनका चाहिँ हाम्रो कलाकारहरूसँगसँगै काम गर्ने मौका पायौँ यसले एउटा चाहिँ नि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री र इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीको एउटा ब्रिज बनाइदिएको छ त्यो ब्रिजमा हामी ट्राभल गर्न सहज बनाइदिएको छ सो उहाँ यहाँसम्म आउनु भएको छ भने हामी पनि उताको लागि एउटा चाहिँ एउटा माहौल बनेको छ जसो दीर्घले सिनेमा मात्र होइन एउटा इन्डस्ट्रीलाई नै एउटा दुईवटा इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एउटा बनाइदिएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा जुन किसिमले अहिले मुभी चलिरहेको छ जुन रेस्पोन्स अडियन्सबाट आइरहेको छ त्यसमा हामी सबैजना खुसी छौँ र उहाँलाई यहाँसम्म वेलकम गर्न पाउँदाखेरि पनि हामी होल टिम नै एकदमै खुसी छौँ वान्स अगेन सर वेलकम आई वुड लाइक टु थ्याङ्क द टेक्निसियन्स एन्ड द क्यामेरा पिपल एन्ड द एङ्कर पिपल because I don't see any change like it is happening in Nepal or it is happening in Bombay yes same mahol rehta hai same okay. usme kuch log jo hote hain thode jo thoda dieting karte hain wo thode kam awaaz mein bolte hain kuch log jo zyada khane wale hain mere jaisa zyada awaaz mein bolte hain bas yahi fark rehta hai baaki Bombay hai Delhi hai Kathmandu hai cinema ke hisab se bilkul koi fark hi nahi hai aise hi press conference hoti hai ऐसे ही लोग उधर से ये कर रहे कोई वो कर रहा है ये कर रहा है ऐसे ही होता रहता है वो जो बोलने वाला होता है वो बेचारा बोलते ही रहता है एकदम वही है कोई फर्क ही नहीं है
इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, इतने सारे कैमराज हैं, इतने सारे लाइट्स हैं, इतनी सारी टैलेंटेड एक्टर जमात है, तो बिल्कुल वही है जी। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आने वाले साल में अगर अच्छी फिल्मों को जनता का प्यार मिलता रहेगा ना, आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं जब नेपाल अपने आप में बहुत बढ़िया बड़ी बड़ी फिल्में बनाने लगेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। और आपके पास तो पशुपतिनाथ महाराज हैं, उनका एक इशारा हो गया तो वाह बल्ले बल्ले। बोलो पशुपतिनाथ महाराज की जय।